जी एक ही आदमी ने इकट्ठा किए, श्री सुरेंद्र भाई पटेल जी ने, उनको ये इकट्ठा करने में 60 साल लगा है। बरोबर। इसमें तांबा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर सब अलग अलग है। इतने में रामायण महाभारत का नाटक करने के लिए लोग इन्हें पहनते हैं, इन्हें मास्क बोलते हैं जी। ये असम में चाय पत्ती तोड़ने के लिए बास्केट है। ये गाय के सींग जैसा ही जलाधारी है जो शिवलिंग का जल अभिषेक करने के काम आता है जी। एक इसका दूसरा रीजन भी है, जो पहले क्रांतिकारी लोग हुआ करते तो वो इसमें अपना बारूद रख करके ले जाने का काम करते थे। अच्छा। ये नमक, जीरा, धनिया स्टोरेज करने के लिए लकड़ी की बर्नी है जी। ये दाल पीसने के लिए लकड़ी की चक्की है, ज़्यादातर आपने स्टोन की देखा होगा। हाँ, ये दाल पीसने के लिए लकड़ी का है, वुड का जी। ये लकड़ी का बनाया हुआ वाटर बैग है जो अच्छा जी पानी यात्रा में ले जाने के लिए होता है जी। ये देखिए साहब, ये तांबा कुंडी है, इसमें पानी गर्म करके नहाने धोने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जी। इसके बाजुओं, दोनों बाजुओं में कड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। इसमें कड़ियों में लकड़ी फंसा करके या कोई अलग एंगल फंसा करके इसको एक जगह से दूसरी जगह रखने में आसानी होती है जी। ये देखिए साहब, मदानी है जो मक्खन निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ऐसे करके दो लोग या एक लोग आमने सामने बैठ करके मक्खन निकालते हैं जी। ये देखिए साहब, पशुपालकों के दूध निकालने के अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं जी। ये पुराने जमाने का दूध नापने का भी बर्तन है। अच्छा जी। इसे एक शेर बोलते हैं। ये उटनी का दूध निकालने के लिए है, क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है जी। जिसको गले में रस्सी डाल करके ऐसे खड़े होकर दूध निकालते हैं। अच्छा जी। जी, ये कैन है जो एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसको छिको बोलते हैं साहब जी। तो ये ज़्यादातर थोड़ा ऊँचाई पर सब्जी वगैरह रखने या दूध छाछ रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जी। कि साहब, ये जल भरने के अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं। ये बाजू कंधे पर रखने के लिए है, ये सर पर रखने के लिए है। एक बार में 3 बर्तन लाने ले जाने में आसानी होती थी जी। ये बड़ा बर्तन है, स्टोरेज के लिए है। ये देखिए साहब, ये पेटी पिटारियाँ हैं, इनमें जेवरात वगैरह रखना या चपाती रखना। ये प्लेटें हैं जो पुराने ज़माने में राजे रजवाड़ों को खाने परोसने में यूज की जाती थी जी। ये सब अलग अलग प्रकार से हैं। ये कारंडियो बोला जाता है साहिब। ये पुराने ज़माने में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे ना जी, वो अपना पगड़ी या मुकुट रखते थे इन बर्तनों में। अच्छा जी। हाँ, ये देखिए साहब, ये पानदानी है, अलग अलग प्रकार की पानदानी है। ये भी एक विशेष प्रकार की पानदानी है। ये देखिए साहब, ये अनलॉक हो गया, इसमें तंबाकू, चूना, कत्ता वगैरह सब अलग अलग रखते थे। ये देखिए साहब जी, इसके अंदर पूरा तंबाकू पान का मैटर हो गया, इसके अंदर पान भी रखते थे क्योंकि इसके अंदर फ्रेश रहता था जी। के लिए है,